लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र रंजन द्वारा किया गया जिला कार्यालय अरवल पर झंडा तोलन। राहुल कुमार के हवाले आई यह रिपोर्ट, जहां 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अरवल जिला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र रंजन की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर किया गया झंडा तोलन। इस झंडा तोलन कार्यक्रम के दौरान भारत माता के जयकारे के साथ जिला अध्यक्ष सत्येंद्र रंजन द्वारा डोर खींचकर झंडा तोलन किया गया। उसके बाद पैदल मार्च करते हुए लोजपा जिला अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ता बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और माल्यार्पण किया। सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष सत्येंद्र रंजन ने माल्यार्पण किया, उसके पश्चात प्रदेश सचिव विमला कुमारी द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की भव्यता तो देखने में बनी, जब पैदल मार्च करते हुए लोजपा कार्यकर्ता अपने जिला अध्यक्ष के साथ क्रांतिकारी शहीद स्मृति स्मारक के समक्ष जा पहुंचे और बड़े हैं श्रद्धा पूर्वक माल्यार्पण किया। तो आइए इस संदर्भ में जानते हैं क्या कह रहे हैं लोजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र रंजन। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परिसर में स्थापित जिले के स्वतंत्रता सेनानियों के शिलापट पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नमन किया गया और देश के वीर शहीदों महापुरुषों को और खास करके अरवल जिला के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। भारत माता जय, भारत वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरवल प्रखंड के परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया।